कलयुगी बेटे ने विकलांग पिता को भी नहीं छोड़ा। न्यूज विजन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू। जबलपुर के सिहोरा तहसील के दर्शनी गांव में एक कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में पहले तो अपने पिता के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद विकलांग पिता को खटिया से बांधकर कपड़े डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सनसनीखेज वारदात सिहोरा थाना क्षेत्र के दर्शनी गांव में मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी आदेश कोई काम धाम नहीं करता था, साथ ही वो शराब का आदि था। शराब के नशे में वो आए दिन विकलांग पिता और मां के साथ मारपीट करता था। आदेश की शादी भी हो चुकी है, लेकिन शराब की लत के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। जी सर, तो मामले से हो रहा संज्ञान में आया है कि पिता की हत्या कर पुत्र ने उसको जला दी। क्या थाना सिहोरा अंतर्गत ग्राम दर्शनी में आज सुबह सूचना आई कि एक झोपड़ी नुमा घर पे आग लगाकर एक व्यक्ति ने वृद्धता की अपनी हत्या कर दी है। इस पर तत्काल एसडीओपी सिहोरा में स्वयं FSLT मौके पर पहुंची और वहाँ पर पाया कि एक ये वृद्ध करीब रामजी कुल हैं। इनको मृत अवस्था पर उनकी डेड बॉडी जली हुई अवस्था पर पड़ी, जिस पर तत्काल मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके डेड बॉडी को PM के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा भेजा गया है और शव पंचायतनामा और जो प्राथमिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह पता चला है कि मृतक का बेटा जो है आदेश कोल, उसके द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। हम मर्ग जांच में हैं और इसमें शीघ्र ही PM रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस पर हम अग्रिम निर्णय करेंगे।